राज्यसभा में नागरिकता कानून पास होने के समय बहाने से बीजेपी सरकार का साथ देने वाली बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम रही मायावती ने अब इतनी तेजी से गुलाटी मारी है कि शायद वो भी शर्मा जाए जो गुलाटी मारने के लिए जाना जाता है। जामिया और अलीगढ़ छात्रों की हिंसा की आंच लखनऊ के कॉलेजों तक पहुंचने के बाद अब जाकर मायावती को लगा है कि ये कानून हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जहर है। वरना इससे पहले राज्यसभा में जब विरोधी पार्टियां इस कानून को असंवैधानिक बताकर विरोध कर रही थी तब वोटिंग के समय बीएसपी के दो सांसद खिसक लिए थे। हैरानी की बात है कि बीएसपी सुप्रीमो की आंख जब खुली तो उन्हें ये कानून सांप्रदायिकता से लिपटा हुआ नजर आया। पता नहीं मायावती में मंगलवार को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे चहेते कानून के विरोध में बोलने लगी। मायावती ने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए बीजेपी की सरकार पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का बदला इस देश के मुसलमानों से ले रही है। उन्होंने मोदी सरकार के इस कानून को रद्द करने की मांग की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार भी आपातकाल की तरह काम कर रही है जो देश के लिए खतरनाक है। मायावती का कहना है कि इस कानून के विरोध में वो राष्ट्रपति के दरबार में जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। मायावती की इस बयानबाजी को 2022 के होने वाले विधानसभा के चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पहले ही दोस्ती तोड़ चुकी मायावती ने हाल ही में सावरकर विवाद के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। इससे साफ लग रहा है कि वो आइंदा के चुनावों में अकेले ही लड़ने का इरादा रखती है। साथ ही में इस कानून में हिंदू मुस्लिम का रंग खोजकर उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि चुनाव में उनकी नजर दलितों के अलावा मुस्लिम वोटरों पर भी रहेगी। बहरहाल मायावती के इस बदले हुए रंग से राजनीति के जानकार भी हैरान हैं। आकाश शुक्ल, लखनऊ।